हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही फायरिंग। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने दो आतंकी मार गिराए, अनंतनाग में भी एनकाउंटर जारी। इसी खतरे को देखते हुए पूरी घाटी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, वहीं जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की संख्या बढ़ी, ऐसे में खतरा सिर्फ सरहद पार वाले आतंकियों से नहीं बल्कि घाटी में मौजूद आतंकियों से भी है। बिहार के गया में पुलिस के साथ 205 कोबरा की टुकड़ियों ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया, इस दौरान सुबह करीब 2 बजे एक नक्सली को भी ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद कोबरा ने नक्सली की बॉडी और एक AK-47 राइफल जब्त कर ली है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूत्रों ने बताया कि नक्सली केवल छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर में TCOC चलाने का नहीं बल्कि काफी सालों बाद चुनाव को देखते हुए बिहार और उड़ीसा में सुरक्षा बलों पर हमला करने का भी प्लान तैयार कर रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा विभाग ने सभी नक्सली इलाके में तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट किया था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सली बड़े हमले कर सकते हैं। चुनाव प्रचार खत्म कर बाबा के दरबार में पीएम मोदी, दर्शन कर मांगा जीत का आशीर्वाद। केदारनाथ के बाद पीएम मोदी 19 मई को जाएंगे बद्रीनाथ, पीएम मोदी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से भारी उत्साह, गुरुड़ अचट्टी में साधना के बाद मोदी की पहली केदारनाथ यात्रा। नतीजों से पहले मोदी के खिलाफ महागठबंधन की कोशिश तेज, विपक्षी खेमे में मंथन। 5 साल सत्ता में रहते हुए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुप रहने पर विपक्षों ने पीएम मोदी पर साधा जमकर निशाना, पीसी में मौजूद रहकर भी मौन रहने पर पीएम के विपक्षों ने कोसा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम की चुप्पी साधे रहने पर कसा तंज, कहा वहां पीसी में बैठने से अच्छा होता अगर आप सवालों के जवाब देते, आप वहां सिर्फ दीदार के लिए थे, सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने भी पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा मनमोहन सिंह जानते थे क्या है बोलना, 56 इंच वाले पीएम मोदी सिर्फ जानते हैं क्या है नहीं बोलना। पूर्व कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी भी पीएम पर हमला बोलने पर नहीं पीछे रहे, कहा मोदी मन की बात से इतने भरे हुए हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल भी होते हैं, इसलिए शायद पीसी में रहे मीडिया के सवालों के जवाब देने से पीछे रह गए। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 7वें चरण के लिए रविवार को 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में यूपी की 13, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 8, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान होंगे। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। वहीं 7वें चरण में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पृथला के बूथ नंबर 88 पर रीपोलिंग भी होगी। बता दें कि इस बूथ कैप्चरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने इस बूथ पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश में बदमाशों को नहीं है कानून का डर, रोहतक में बेकाब बदमाशों ने हमला कर शख्स से छीनी कार, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जाकल मंडी में रोक के बावजूद खुली रही शराब की दुकानें, पंजाब में रविवार को होने वाले मतदान को देखते हुए शराब के ठेकों को बंद रखने का दिया है आदेश। नीलोखेड़ी में जीटी रोड स्थित एक दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक।
दुकान से शुरू हुई आग गोदाम तक जा पहुंची, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आग देर रात शुरू हुई और लोगों को इसकी जानकारी वक्त पर नहीं मिली। जब लोगों ने दुकान से धुआं निकालता देखा तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहरहाल आग लगने की वजहों का पता नहीं लग पाया है। फिलहाल टीम आग के कारणों की जांच में जुट गई है। कल रात से रुक रुक कर हो रही बारिश किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत। फरीदाबाद के लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। इलाकों में जगह जगह जमा है बारिश का पानी। सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होना है। इसी को लेकर पंजाब से सटे इलाके में शराब के ठेके 48 घंटों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के कमिश्नर ने पंजाब से सटे जाखल का किया दौरा। कमिश्नर के आदेश के बाद देर रात चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बस में सवार लोगों के मुताबिक बस गुरुग्राम के सीमा से सटे इलाकों में 3 किलोमीटर के दायरे में शराब के ठेके में बंद रहेंगे। साथ ही नियमों के उल्लंघन करने पर 7 दिनों की बात की गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। सवारियों से भरी एक बस वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद बस एक्सप्रेसवे पर पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। घटना उन्नाव के पास एक्सप्रेसवे पर हुई। हादसे का शिकार हुई बस हरियाणा के किसी निजी टूर ऑपरेटर की बताई जा रही है। बस में सवार लोगों के मुताबिक बस गुरुग्राम के मोहल्ला खालसा मंडी से शुक्रवार रात यात्रियों को लेकर निकली थी। बस शनिवार सुबह 9 के पास से गुजर रही थी, तभी हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस अपनी रफ्तार में एक्सप्रेस वे पर जा रही थी।